जीवन में संघर्ष है और संघर्ष ही जीवन है। अगर संघर्ष खत्म हो जाती है तो जीवन समाप्त हो जाता है। तो आपकी तो अभी शुरुआत हुई है और मेरे लिए ये 4 साल 1 दशक का फेयरवेल समारोह में आज सम्मिलित हो रहा हूं आपके सामने। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं अपने 18 साल के करियर में अभी मैं युवा हूं और अभी आप हमारे सामने बच्चे हैं ही और आगे आपके लिए भविष्य दिख रहा है कि और आप अच्छा करें। और मैं आप सभी के अभिभावक को भी बहुत साधुवाद देना चाहता हूं जिन्होंने आपको इस विद्यालय में पढ़ने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की और आपको पढ़ाया। विशेष रूप से आपके साथी ने ये कहा कि इस विद्यालय में कुछ कमियां है, कमियां तो रहती है, कमियां रहती है और कमी रहने के कारण ही सुधार होता है। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूं। एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं और जो बच्चा ज्यादा नंबर लाता है उसे पत्रकार पूछता है कि आपका ये 80 नंबर लाए इसको श्रेय किसको देते हैं। उस बच्चा ने कहा ये श्रेय टीचर को देते हैं। और एक बच्चा ने फेल कर गया, वो उनसे भी पूछा कि इस कम नंबर लाने का श्रेय किसको देते हैं, तो उसने भी कहा टीचर को देते हैं। तो आप जरा बताइए कि एक टीचर पढ़ाते क्लास में है और ज्यादा नंबर लाने वाला भी श्रेय टीचर को देता है और कम नंबर लाने वाला भी श्रेय टीचर को देता है। कहने का तात्पर्य है कि जब विद्यार्थी पढ़ता है क्लास में तो वो खुद अपना मंजिल तय करता है, अपने आसपास से वो देखता है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हर व्यक्ति में अलग अलग टैलेंट है। हर कोई इंजीनियर बनता है तो इंजीनियर को देख के इंजीनियर नहीं बनेंगे, डॉक्टर को देख के डॉक्टर नहीं बनेंगे। आप में कुछ अलग प्रतिभा होगी, उस प्रतिभा को निखारने की जरूरत है। कभी कभी आदमी निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। अभी आप नीट की परीक्षा देंगे, इंजीनियरिंग की परीक्षा देंगे, उसमें आपको कभी कभी ऐसा लगेगा ये नहीं हुए तो हताश हो गए, आप जीवन की खुशी कर लेते हैं लोग। ये ऐसे इसलिए कहते हैं कि उनकी मूल रूप से आप पढ़ाई को कमाने का जरिया देखते हैं। और ऐसा आपके अभिभावक भी सोचते हैं कि पढ़ा करके हमें बच्चे को अच्छी पैसे कमाने हैं, मगर उसमें अध्यात्म बहुत जरूरी है। आपके बीच में ऐसे सुनने में मुझे आया कि संस्कृत अभी कोई काम नहीं आएगा। संस्कृत हमारे अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, वो आपको आत्मबल देगा। मोरल वैल्यूज, एथिक वैल्यूज, ये सारी चीजें आपको वहीं से आता है जीवन जीने के लिए। अब जब आगे जाएंगे तो परीक्षाएं होगी, परीक्षा करते करते आप ग्रेजुएट हो जाएंगे। ग्रेजुएट के बाद फिर जीवन में ऐसा ही आएगा, ऐसे मोड़ आएंगे जहां पर आपको स्वयं निर्णय लेने की जरूरत पड़ेगी। और इस वक्त में आपको आपका वही अध्यात्म आपको मार्गदर्शन देगा ताकि आप अपने जीवन में सही और उचित निर्णय ले सकें। आप सबको इस आयोजन समारोह करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने माता पिता का, अपने शिक्षकों का सम्मान और आत्मसम्मान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।